सो हम एक चैप्टर के ऊपर थे जिसका नाम था ह्यूमन न्यूट्रिशन, और उस चैप्टर में हम बड़े आगे तक पहुंच चुके हैं। और अभी हमें बात करनी है कि डाइजेशन जब होता है तब अपने बॉडी बेसिकली हर एक पैच पे किस तरह से केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन होता है, वहां तक अपन आ चुके हैं और वो हमें इस लेक्चर में देखना है। लास्ट लेक्चर तो पूरी तरह से सिर्फ रिविजन में हमने यूज किया था, जहाँ पर बहुत सारी वापिस आपको चीजें मैंने बताई थी एंड आई होप आपके दिमाग में वो अच्छे से बैठी हुई है। तो बाइल जूस कौन से ग्रीट कर रहा है? लीवर लीवर, ओके। लोब्यूल्स, सिंपैथेटिक लोब्यूल्स कहाँ पर होते हैं? लीवर, लीवर, ओके। पैनक्रियाज में अल्फा बीटा डेटा डेल्टा सेल्स होते हैं, राइट? तो पैनक्रियाज एक ऐसा टाइम सिक्रीट कर रहा है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है व्हिच रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इनसाइड द ह्यूमन बॉडी? इंसुलिन। और उसी के साथ और दो कौन से केमिकल सिक्रीट कर रहा है पैनक्रियाज? ग्लूकागॉन एंड ग्लूकागॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, सोमाटोस्टैटिन। सोमाटोस्टैटिन, व्हाट इज द रोल ऑफ सोमाटोस्टैटिन? ग्रोथ हार्मोन। Inhibits the growth. I mean, not growth, sir. Use secretions. हमारे पेट के अंदर एक symbiotic association form करके कुछ bacteria रहते हैं, तो वो कौन से part में? Appendix. और इस प्रकार वापस घूमते हुए Appendix. आपल्या बॉडी मध्ये एक सिम्बायोटिक असोसिएशन फॉर्म करून राहणारा एक बॅक्टेरिया, एक कॉलनी ऑफ बॅक्टेरिया राहत आहे, तो वो कहां पर है? डिओडेनम, पायलोरिक स्टमक, कार्डियक स्टमक, कीकम, कोलन, रेक्टम, कीकम। बरोबर, वही वही कीकम, राइट है। ठीक है, चलो पुढे जाऊया। तो आज हम स्टडी करने वाले फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, ठीक है? तो इस लेक्चर को आप मोर और लेस जैसे सुनिए, क्योंकि अगर मैंने आपके सामने थियरी रख दी तो इतने सारे केमिकल रिएक्शंस देख के आप कंफ्यूजिया जाओगे, और वो मैं नहीं चाहता, ठीक है? तो अभी हम बात करने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की। सो बेसिक आपको ये चीज पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हमारा डाइजेशन जो होता है माउथ के अंदर से ही शुरुआत हो जाती है। तो आपने आज दोपहर को 2 बजे खाना खाया है, और 2 बजे जब आप खाना खा रहे थे तो आपने खाया बटाटे की सब्जी और उसी के साथ चपाती। आप में से किसी ने यही खाया होगा तो कोइंसिडेंस, कांग्रेचुलेशंस। तो जैसे आप मुंह में चबाना शुरू, मुंह के अंदर मिक्स होता है, इसके अंदर सबसे पहला केमिकल इज डाइजेशन के अंदर का, जिसको आप कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है? सो बेसिक हमारे मुंह के अंदर 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड है। एक है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड कान के आगे, दूसरा है सब लिंगुअल और एक है सब मैंडिबुलर जो आपके लोअर जॉस के नीचे है। ये तीनों ग्लैंड अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं हमारे हर वीडियो। ओके, और ये तीनों के तीनों जो ग्लैंड जो सलाइवा रिलीज करते हैं, ये मिक्स होते हैं हमारे खाने के साथ। ओके, तो ये मिक्स होता है हमारे खाने के साथ, और फाइनली ये जो बोलस है जो हम चबा रहे हैं अंदर मिक्स हो गया सलाइवा। और जो यूरिनाइटिस होते हैं, हाय सलोरी, अभी दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर, बढ़िया। ओके, और हमारा जो सलाइवा है ये बना है 98% पानी से, ठीक है? अलग से 90% जो है ये पानी से बना है, और उसी के साथ बहुत कम मटेरियल ऐसे है इसके अंदर जिसको आप सॉल्ट्स कहते हैं, किसी प्रकार के ऐसे कैल्शियम क्लोराइड है, और उसी के साथ जस्ट अ मिनट मैं शेयर स्क्रीन भी कर देता हूँ तो आपके सामने भी रहेगा। तो सलाइवा तो हमारे मुंह के अंदर मिक्स हो गया, और इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं सलाइवा में जो आपके मुंह के अंदर जो स्टार्च आपने खाया, जैसे कि पटेटो और चपाती, इन दोनों के अंदर होता है भर भर के कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ये स्टार्च हमारे मुंह के अंदर सलाइवा इसके साथ जब मिक्स होता है तब, यानी सलाइवरी अमाइलेज मिक्स होता है, तो ये चेंज होता है एक लोअर फॉर्म ऑफ स्टार्च में। एक मिनट, तुम्हें जुम्मन नहीं है?
Okay, so now you can see the screen. और स्क्रीन के ऊपर ही आपको दिख रहा है कि सलाइवा कंटेन्स 98% ऑफ वाटर एंड 2% ऑफ अदर इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि पोटेशियम कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम ये सारी चीजें हैं और ये सारी चीजों को हम बोलते हैं एक एंजाइम। बोला भैया तू करा दे ऑनलाइन क्योंकि हम चार बार चक्कर माइक बंद करा ठीक है तो हमारे मुंह के अंदर सबसे पहला एंजाइम हमारे डाइजेशन प्रोसेस में मिक्स हो रहा है जिसको आप कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज ठीक है और इस सलाइवरी अमाइलेज का सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि स्टार्च को माल्टोज नाम के शुगर में कन्वर्ट कर रहा है ठीक है तो हमने स्टार्च खाया है स्टार्च इज अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट मटेरियल से हमें मिलता है जो प्लांट रूट में होता है लीफ में होता है फ्रूट में होता है तो ये स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है सलाइवरी अमाइलेज इनटू अ काइंड ऑफ शुगर व्हिच इज कॉल्ड एज माल्टोज शुगर ठीक है जो स्टार्च होता है ये है पॉलीसेकेराइड पॉलीसेक ये होता क्या है ये आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा लेकिन आप फिलहाल इतना याद रखिए कि हमारे दुनिया में अलग अलग किस्म के शुगर मौजूद है कुछ को आप ग्लूकोज कहते हैं फ्रुक्टोज कहते हैं गैलेक्टोज कहते हैं सुक्रोज कहते हैं और उसी तरह पॉलीसेकेराइड ये बेसिकली केमिकल स्ट्रक्चर है जो बहुत कॉम्प्लेक्स है और डाइजेशन इस प्रोसेस का मतलब क्या है एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करना सो पॉलीसेकेराइड दैट इज स्टार्च इट इज अ कॉम्प्लेक्स बट ये जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवरी अमाइलेज द स्टार्च विल गेट कन्वर्टेड इनटू अ काइंड ऑफ शुगर व्हिच इज कॉल्ड एज माल्टोज और माल्टोज है डाइसेकेराइड ठीक है सो पॉली से हो जाता है डाई और डाई के बाद आगे जाके इसको मोनो भी होना है और ये पूरी जो प्रोसेस है ये चल रही है एट पीएच 6.8 पीएच का मतलब जानते हो क्या होता है पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन पावर ऑफ हाइड्रोजन ये तो कितना भी नॉलेज हो गया थोड़ा बेसिक लेवल पे बात करते हैं 10th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर था आपको शायद 9th स्टैंडर्ड में जहां पर आपको एसिड और सर एसिडिक और बेसिक स्केल बिल्कुल तो बेसिकली एक स्केल होती है जो स्टार्ट होती है 1% की 0% एक स्केल 0 से स्टार्ट इधर खत्म कहां पर होती है 14 जवाब 14 7 इज मिडल सो इफ ऑन द रीडिंग कॉल्ड एज 7 इट इज कंसीडर्ड एज न्यूट्रल ठीक है इफ एनीथिंग गोस फ्रॉम 7 टुवर्ड्स द 0 इट इज कंसीडर्ड एज एसिडिक ठीक है तो इधर 6 हो गया 5 1 2 3 ये सारे एसिड के लेवल्स हैं यहां पर और न्यूट्रल के आगे कोई चीज जाएगा यहां पर सो इट इज बेसिक या एल्कलाइन तो यहाँ पर कोई 7 नंबर का यानी 7 पीएच का कोई एग्जांपल याद है आपको वाटर न्यूट्रल वाटर न्यूट्रल है जिसको आप कहते हैं वाटर हम जो पानी पीते हैं वो पता नहीं न्यूट्रल है एसिडिक के कारण अपन जब बिस्लरी की बॉटल ले ली तो उसके अंदर एडेड मिनरल्स होगा नको नको थे टेस्ट असना फ्लेवर ऐड केलेले असणार तो वो स्लाइटली एल्कलाइन की तरह अगर आप नींबू शरबत पी रहे हो तो कहां पर जाएगा 7 के आगे या 7 के पीछे 7 के पीछे पीछे 7 के बराबर अगर आप जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं जैसे हार्पिक वगैरह ये बहुत बार जो वॉशरूम क्लीनर्स जो होते हैं ये ज्यादा करके बेसिक तो जब आप लादी पोंछते हैं उसके ऊपर जो फिनेल वगैरह आप यूज करते हैं जो कोई भी ऐसा मटेरियल है जो फ्रेग्रेंस देता है चीजों को ये मोस्ट प्रोबेबली एक तो मैक्सिमम एसिड होगा या तो अल्टीमेट बेस होगा एक तो सबसे ज्यादा एसिड साफ करने के लिए यूज किया जाता है तो सबसे ज्यादा बेस ये साफ करने के लिए यूज किया जाता है और जो न्यूट्रल साइड है वो है पानी तो अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर पीएच 6.8 है म्हणजे 7 थोड़ा सा इकडे कुठे तरी येतोय पीएच इसका मतलब ये स्लाइटली बहुत ही स्लाइट एसिडिक की तरफ है तो हमारे मुंह में इतनी ज्यादा एसिडिटी नहीं है ठीक है वरना थोड़ी तबाही बन जाती ऑलराइट सो सबसे पहला प्रोसेस आपको याद आ गया तुंडामध्ये 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड तीनों भी अपने टाइप से सिक्रीशन कराएगा सलाइवा का सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च को कन्वर्ट कर रहा है माल्टोज के अंदर ठीक है अब ये तो इसके अंदर मिक्स हो गया माल्टोज तो हमारे मुंह में धीरे धीरे क्रिएट हो ही रहा है और इसी के बाद इस सलाइवरी अमाइलेज के अंदर और एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इनके अंदर एंटी बैक्टीरियल कोई
चीजें होती है ऐसे बोला जाता है, बहुत ही स्लाइटली एंटीबैक्टीरियल जो इन्फेक्शन को किल करने के लिए यानी किल करने के लिए काम आता है। और जब सलाइवा सलाइवरी अमाइलेज आपने खाया हुआ खाना ये सारी चीजें मिक्स होता है तो वहां पर बनता है एक अजीब सी एक चीज जो थोड़ी चिपचिपी सी हो जाती है और इस चीज को आप कहते हैं बोलस। ठीक है, तो बोलस क्या है? बोलस एक बेसिकली जितना कुछ आपने खाया चपाती हो जाए, जितने स्पाइसेस हो जाए, सब्जी हो जाए, इस चीज का रगड़ा पेटे जब आपके मुंह के अंदर बन जाता है तो उसको आप कहते हैं बोलस। अब इस बोलस की जिंदगी में एक मकसद है कि ये अभी है माउथ के अंदर और इसको जाना है स्टमक के पास। अभी स्टमक से माउथ की इसकी जर्नी है, ये शुरू होने वाली है माउथ से स्टमक तक जो जाने वाला है इसोफेगस से। आणि इसोफेगस मधून खाली जायचंय म्हणजे काय करणार? इसोफेगस मध्ये ग्रीस लावली आहे का स्मूथली खाली उतर नाही लावली आहे, तो इसोफेगस में क्या होना चाहिए नीचे जाने के लिए? म्यूकस। तो हमारे एलिमेंट्री कैनल में हर जगह पर म्यूकस है और उसी तरह इसोफेगस से होते हुए ये खाना स्टमक तक जाने वाला है। आणि इसोफेगस ला पूर्णपणे लाइनिंग है एक म्यूकस मेम्ब्रेन नी और ये जो खाना है ये आपका इसोफेगस एक प्रकार का ब्रेक डांस करके नीचे जाने वाला है जिस डांस का नाम है peristalsis. Yes, absolutely. Peristalsis is a movement of rhythmic contraction and relaxation which you generally see in an esophagus. बहुत बार जब आप unwanted चीज खा लेते हो और आपकी बॉडी बोलती है नको यार टाइपन टाक तो समझा बॉडी मुझे भरपूर चीज वन झालं, तो उस टाइम पे हमारे बॉडी में होने वाला है रिवर्स पेरिस्टाइलिस। म्हणजे पेरिस्टाइलिस वर्तुळ खाली डांस करतो बट रिवर्स पेरिस्टाइलिस येतो और ऐसे टाइप पे आप रंगा देते हो जो कोई सामने दीवार हो या कुछ हो, तो इसको आप प्यार से कहते हैं वॉमिट। ठीक है, और फिर आजू बाजू के लोग दूर भागेंगे आपसे। तो ये है हमारा सबसे पहला, दैट वाज हमारे जो मुंह के अंदर हो रहा था वो। और इसके बाद हम जाने वाले हैं डाइजेशन इन स्टमक में। तो बड़े प्यार से इस म्यूकस मेम्ब्रेन से होते हुए पेरिस्टाइलिस का डांस करते हुए ये बोलस खुल चुका है हमारे स्टमक के अंदर। और स्टमक के अंदर दो किस्म का डाइजेशन होता है, एक होता है मैकेनिकल और एक केमिकल। ठीक है, तो जिंदगी में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है पी, एक होता है बी और एक होता है सी। तीनों का नाम है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी तो हम पढ़ रहे हैं लेकिन बॉडी के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन एक फिजिक्स का टर्म है मैकेनिक्स, और उसी के साथ केमिकल डाइजेशन जिसमें भर भर के रिएक्शन सब आने ही वाले हैं हमारे साथ। सो नाउ स्टमक के पास दो रिक्वायरमेंट है हमारी, एक तो तेरे को मैकेनिकल भी करना है उसी के साथ तेरे को केमिकल डाइजेशन भी करना है। सो मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है? कैसे होता है? स्टमक है ये एक मस्क्यूलर बैग है जो कंटिन्यू खाने को चर्न करने वाला है। चर्न का मतलब जिस प्रकार आपके घर का मिक्सर शुरू होता है और अंदर ब्लेड्स घूमते हैं, हमारे पेट में ब्लेड्स तो नहीं है बट पूरा जो स्टमक का बैग है कंटिन्यू हिलता रहता है, इसको आप बोलते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। वी कांट फील इट बट आपके स्टमक के वॉल्व जो है ये कंटिन्यू चर्न होते रहते हैं, तो ये आता है मैकेनिकल डाइजेशन में। और उसी के साथ एक केमिकल डाइजेशन भी हमारे पेट के अंदर होने वाला है विच इंक्लूड सर्टेन रिएक्शंस जो हम आने वाले इस लेक्चर में देखेंगे। क्लियर है परेंद्र? यस सर। अब जो खाना खाते हैं आज दोनों आज से तुम्हें झूला है, तो वो जो खाना है तीन चार पांच यानी अभी तक 3.5 घंटा शायद हुआ रहेगा, साढ़े पांच भी नहीं बोला है, तो ये जितना भी खाना आपने खाया है ये अभी फिलहाल आपके पेट के अंदर बैठा हुआ है, पेट में शायद पाइलोरिक स्टमक के अंदर बैठा होगा। ठीक है, और ये पाइलोरिक स्टमक में 4 से 5 घंटे तक बैठने वाला है, म्हणजे 6:30 नंतर ये शायद डिओडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे एंट्री करेगा। ठीक है, तो 3 से यानी 4 से 5 घंटे तक ये आपके पेट के अंदर रहने वाला है खाना, वहां पर ये कंटिन्यू चर्न हो रहा है, मतलब अभी भी आपका पेट कंटिन्यू हिल रहा है। और कुछ समय बाद जब आपके आसपास कोई नहीं होगा और शांति होगी और अगर आप ध्यान लगा के सुनोगे तो आपके पेट से एक आवाज आएगी, तो ऐसा लगेगा एक सादे ग्लास के अंदर जब आप पानी डालोगे वैसा एक आवाज आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, और आप फिर बाजू वाले को बोलोगे तुला अकेला अलग ऐसी आवाज ना इकड़े, ये सब हमने भी किया बचपन में। तो वो एक ऐसा फेज है जहां पर खाना जो आपके पाइलोरिक स्टमक में है ये डिओडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जा रहा है। ठीक है, तर ते तुमच्या सोबत होणार आहे 6 वाजता। ठीक आहे, तो कान लगा के बैठना 6 बजे। ठीक आहे, हेडफोन वगैरे लावायचे इथे प्लग टाकायचे। तो ये है मैकेनिकल डायजेशन जहां पर मैकेनिकली
अजून काय दिलंय? ओके. और केमिकल डायजेशन में आएंगे कुछ गैस्ट्रिक जूसेस जो आपके स्टमक सिक्रीट करने वाला है. सो जब आप केमिकल चीजों की बात कर रहे हैं, सो केमिकल चीजों को देखने के लिए हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि हमारा जो स्टमक है, इसका जो इंटरनल लाइनिंग होता है, इसको आप बहुत बार म्यूकोसा, ऐसा एक मेम्ब्रेन का लाइनिंग, राइट, सर्वधात्री वॉल, इट्स कॉल्ड एज म्यूकोसा. ठीक है. और ये जो म्यूकोसा है हमारे स्टमक के अंदर, इसके पास जनरली तीन प्रकार के सेल्स देखे जाते हैं. ठीक है. हमारे पेट के जो वॉल्स है, यहाँ पर तीन प्रकार के सेल्स आप पाए जाते हैं जनरली. तो आप देखते हैं तीन सेल्स का नाम. सबसे पहले सेल्स है म्यूकस सेल्स. ठीक है. सर्वत पहले सेल्स म्यूकस सेल्स, उन्हीं के बाद आते हैं पेप्टिक सेल्स. बोर्ड डिस्प्लेगा ओके. फिर आते हैं पेप्टिक सेल्स, जिनको आप प्यार से क्या कहते हैं, चीफ सेल्स. तो बाद एक लास्ट प्रकार है सेल्स में, जिनको आप बोलते हैं पैराइटल. कैसे जानना चाहिए हमें, तो इकड़ेस करायचा सुसवाली, तरी इकड़ेस करायचा जितपर्यंत अभ्यास होत नाही. हां, अब तो चला रोटर का जम उडाला कुठे पण तो अब तो. ठीक है. इनको आप प्यार से ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहते हैं. ठीक है. तीन प्रकार के सेल्स आपके पेट के वॉल के अंदर, यानी जो एक्सटर्नल कवर है पेट का, यानी इंटरनल, उनमें पाए जाते हैं म्यूकस, पेप्टिक और पैराइटल. ठीक है. अब ये तीनों सेल्स कुछ ना कुछ सिक्रीट कर रहे हैं. आवाज आता है क्या? यस सर. यस सर. सो म्यूकस, पेप्टिक और पैराइटल तीनों का हम सिक्रीशन भी देते हैं. पेप्टिक सेल्स जो होते हैं, ये कुछ समय बाद सिक्रीट करने वाले हैं एंजाइम कॉल्ड एज पेप्सिनोजेन. ठीक है. सो जो पेप्टिक सेल्स है, सिक्रीट करने वाले है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रो एंजाइम. आने वाले इस लेक्चर में बहुत बार आपको बहुत सारे ऐसे केमिकल्स के आगे प्रो ये नाम होगा. जैसे हर फोन का एक प्रो मॉडल होता है, एक प्लस मॉडल होता है और एक मैक्स मॉडल होता है. उसी प्रकार जहां जहां पर आपको प्रो ये वर्ड दिखा जाएगा किसी एंजाइम के आगे, प्रो एंजाइम का मतलब सबसे पहला वाला. ठीक है. इन इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड प्रो मतलब सबसे आखिरी मॉडल, सबसे एक्सपेंसिव वाला होता है, बट इन बायोलॉजी प्रो का मतलब होता है सबसे पहला. सो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ये एकदम शुरुआती फॉर्म है एक एंजाइम का. और कुछ समय जाने बाद जब ये प्रो यहाँ से निकल जाएगा, तो ये एक नए प्रकार का एंजाइम बनेगा जिसको आप कहेंगे सिर्फ पेप्सिन. बट फिलहाल ये पेप्सिन नहीं है, ये है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन. यानी तो शांत बसला है फिलहाल, वो उसके तांडव वाले अवतार में आया नहीं है फिलहाल, वो एकदम शांति से बैठा हुआ है. सो इट इज अ प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन. उसके बाद आते हैं, सॉरी अपन म्यूकस सेल्स ला एक आदि है, पहला अपना म्यूकस सेल. तो म्यूकस सेल आप सभी को पता है, जैसे म्यूकस नाम ही आपको बताता है, म्यूकस सिक्रीट करने वाला है म्यूकस सेल. फिर पेप्टिक सेल्स आपको देने वाले है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन. ठीक है. और लास्ट में आते हैं आपके ऑक्सेंटिक सेल्स, जिनको आप प्यार से कहते हैं, एक क्वेश्चन है करें, जिनको आप प्यार से कहते हैं, दूसरा का नाम है ऑक्सेंटिक सेल्स. ओके. पैराइटल सेल्स जिनका काम है सिक्रीट करना वेरी इंपॉर्टेंट एसिड कॉल्ड एस HCl. और इस HCl के साथ ये और एक चीज देते हैं जिसको Intrinsic. Which will secrete a most important acid in the stomach, which is called as HCl. Plus, it will also secrete something called as intrinsic factor. So, अभी ये intrinsic factor होता क्या है? तो intrinsic factor को basically इतना याद रख सकते हैं कि एक ऐसा chemical है, एक इस प्रकार का protein बना हुआ है जो सिर्फ आपके body में present है किसी एक substance को और ज़्यादा digest करने के लिए.
कारण ये जनरली काही गोष्टी अशा असतात ज्या आपला स्टमक डायरेक्टली डायजेस्ट करू शकत नाही, तो उसके लिए एक बैकअप फोर्स लगता है जो उस चीज को डाइजेस्ट करेगा, सिंथेसाइज करेगा। तो विटामिन B12 नाम का एक विटामिन है, ये अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए एक एसेंशियल चीज लगती है जिसको आप कहते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। कुछ लेक्चर पहले हम विटामिन B12 की बात कर रहे थे, जहां पर था कि विटामिन B12 एक ऐसा विटामिन है जो एनिमल बेस्ड फूड से आता है, मगे चिकन असेल, मटन असेल, एग्स असेल, फिश असेल। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते बेसिकली, या जो प्लांट मटेरियल पे ही जिंदा रहते हैं, यानी जो वीगन लोग होते हैं, कौन है वीगन तुमच्या मधून? कोई नहीं है, आए है ना? तो वीगन लोग जो होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार का एनिमल बेस्ड प्रोटीन जा नहीं रहा है, तो वहां पर उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। और B12 की डेफिशिएंसी मतलब ब्लड परफेक्ट नहीं है, ब्लड में सिकल सेल एनीमिया, ब्लड कैंसर होने का ज्यादा चांसेस है, ये सारे इश्यू होते हैं विटामिन B12 ना होने के कारण। तो इसीलिए नॉनवेज खाना चाहिए, और जो लोग नहीं खाते नॉनवेज उन लोग को विटामिन B12 का टैबलेट खाना चाहिए जो मार्केट में मिलता है, ठीक है? लेकिन आने वाले कुछ 100 साल में हम सारे लोग वेजिटेरियन होने वाले हैं, ऐसा कुछ थियरीज कहती है, और तभी हमें विटामिन B12 का टैबलेट खाना पड़ेगा जहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर उनको अच्छे से अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है? अब आता है मेन पिक्चर। अब हमारे पेट का एक हीरो है जो बहुत मतलब थैनोस के लेवल का विलन बोल सकते हैं आप, क्योंकि ये जो HCL नाम की जो चीज है बहुत घातक होती है। ये जो HCL आप आपके सामने देख रहे हैं, एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड HCL होता है। अभी आपका कॉलेज शुरू नहीं है, लेकिन जैसे आपके केमिकल एक्सपेरिमेंट शुरू होंगे यानी प्रैक्टिकल्स, वहां पर आपके लैब में आपको दिखाया जाएगा HCL, जिसके अंदर से किस प्रकार फ्यूम्स निकलते होते हैं, ठीक है? तो ये जो फ्यूम्स निकलते होते हैं, अगर आपके हाथ पे भी गिरेगा तो अच्छे से आपका स्किन जाएगा, थोड़ा जलेगा, तो ये सारी चीजें होती है। ऐसा होता है हमारे पेट के अंदर HCL। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमारे पेट में इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, फिर भी आपका पेट फट के यहाँ से एसिड बाहर नहीं निकलता, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर एक म्यूकस नाम का मटेरियल है जो हमारे स्टमक के पूरे लाइनिंग को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अगर हमारे स्टमक में म्यूकस नहीं होता तो HCL को बिल्कुल एक रास्ता क्लियर हो जाता कि ये सारे टिश्यूज पूरी तरह से फाड़ के आपके पेट से बाहर निकले, बट ऐसा होता नहीं, ठीक है? तो जो सारी चीजें है, यानी म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजेन, HCL प्लस इनसे इंट्रिंसिक फैक्टर, ये सारी चीजें मिलके गैस्ट्रिक जूस हम इनको बोल सकते हैं। तो ये सारी चीजों को हम मिलाकर एक नाम देंगे, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है? तो इस प्रकार है स्टमक के अंदर का गेम। स्टमक के अंदर इतने सारे गेम होते रहते हैं। आता त्यासोबत अपन अजून थोड़े पुढे जाऊया। इसी के कारण हम कहते हैं कि हमारे पेट में एसिडिक डाइजेशन है, क्योंकि इंसानी बॉडी में दो प्रकार का डाइजेशन होता है, स्टमक में एसिडिक बरोबर, इंटेस्टाइन मध्ये बेसिक यानी अल्कलाइन। तो पेट के अंदर जो एसिडिक डाइजेशन है, इट विल बी ब्रॉट अबाउट बाय अ केमिकल कॉल्ड एज HCL और अ गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस का काम क्या है? जैसे HCL मिक्स हो जाता है आपके बुलस के अंदर, बुलस जो स्टमक में गिला है, HCL का सबसे पहला काम है ये सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज नाम का केमिकल था, इसको पूरी तरह से स्टॉप कर देता है। सलाइवरी अमाइलेज का गेम समझेला ही परंतु तो उसका डेस्टिनी उतना ही था कि मुंह में मिक्स होना है, स्टमक तक लेके आना है, और वहां तक जितना भी जिस भी हिसाब से तुम डाइजेस्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा केमिकल या बाहर के एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल को मार सकते हो, उतना उनको मारते मारते लेके आना है स्टमक तक। एक बार स्टमक में HCL मिल गया बोलस के साथ, तो सलाइवा का सलाइवरी अमाइलेज का इफेक्ट रुक जाता है। सलाइवरी अमाइलेज रुक गया, उसी के साथ जैसे कि मैंने कहा HCL तगड़ा वाला एसिड है, तो जो भी ऐसे इन्फेक्शन है जो एसिडिक कंडीशन में झेल नहीं सकते, तो यहाँ पर उनकी डेथ हो जाएगी, यानी इन्फेक्शन बहुत हद तक HCL तोड़ेगा, यानी इन्फेक्शन यानी जो भी जर्म्स आने वाले हैं उनका मर जाना यहाँ पर तय है, यानी जो जो एसिडिक मीडियम में मरेंगे वो। और फाइनली जो पेप्सिनोजेन यानी जो प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजेन, जब ये HCL के साथ मिक्स हो जाता है तब ये खुद को कन्वर्ट कर लेता है एक प्रकार के एंजाइम में। तो प्रो एंजाइम जो इनएक्टिव था,
प्रोएंजाइम को आप इनएक्टिव एंजाइम बोल सकते हो, ये एचसीएल में मिलने के बाद ये सीधा कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन नाम के एक केमिकल में जो पूरी तरह से एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। और यही पेप्सिन आगे जाके कुछ धमाल करेगा, जैसे पेप्सिन के मदद से हम बहुत बार कुछ ऐसे प्रोटीन्स को हम ब्रेक डाउन करते हैं, तो प्रोटीन्स ये ब्रेक डाउन होंगे पेप्टोन्स और प्रोटीओज में और आगे जाके अमीनो एसिड्स, बट फिलहाल यहाँ तक हम ध्यान रखिए। क्लियर है एक बार इधर? यस सर। पावर पैक दो से है आपके लिए, समझ के यहाँ तक हम आ चुके हैं, परत रिवाइज करूंगा कि जाओ फुड़े रिवाइज करा सर। तो कहानी शुरू होती है दोपहर को 2 बजे, जहां पर आपने बटाटे की सब्जी और खाई चपाती, चपाती जैसे आपने चबाना शुरू किया, सो इट वाज अ मैकेनिकल प्रोसेस जहां पर आपके केनाइन इंसिजर्स प्रीमोलर्स पोलर्स मोलर्स इन्होंने सबने मैस्टिकेट किया खाने को। मैस्टिकेट करते करते हमारे मुंह के अंदर 3 सलाइवरी ग्लैंड ने अपना सलाइवा उसके अंदर मिक्स कर दिया और सलाइवा बना है 98% वाटर और बाकी के परसेंट कुछ इलेक्ट्रोलाइट से। यहाँ पर बनता है सलाइवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम, सबसे पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह के अंदर मिक्स होने वाला है, एंड द सलाइवरी अमाइलेज विल कन्वर्ट द स्टार्च व्हिच इज अ पॉलीसेकेराइड इनटू अ शुगर कॉल्ड एज माल्टोज व्हिच इज अ डाइसेकेराइड, और ये हो रहा है इन द पीएच 6.8 यानी स्लाइटली एसिडिक, वेरी वेरी स्लाइटली एसिडिक। इत पर्यंत अलावर अभी जो चीज यहाँ पर बनेगी यानी जो भी आपने खाया है उसका रगड़ा पैटीज जिसको आप कहेंगे प्यार से बुलस, ये बुलस एक इसोफेगस के अंदर जो डांस होता है वो करते हुए आने वाले हैं स्टमक के अंदर, और स्टमक में आ रहे दूसरा टाइप ऑफ डाइजेशन। वंस अगेन स्टमक में 2 प्रकार के डाइजेशन हो रहे हैं, एक है मैकेनिकल जो हो रहा है मस्कुलर बैक का वॉल्स कंटिन्यू चर्न हो रहा है वो क्या मैकेनिकल डाइजेशन, और इधर सोबत केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस, ठीक है। आता अपने स्टमक मध्ये अपन वॉल्स वर एरिया फिजियोलॉजी ऑफ स्टमक, जहां पर अपना जो वॉल है स्टमक का जिसको आप म्यूकोसा लेयर बोलते हैं, इनके अंदर 3 प्रकार के सेल्स है, एक है म्यूकस म्यूकस सेल्स, दूसरा है पेप्टिक सेल्स आल्सो कॉल्ड एज चीफ सेल्स, और तीसरा है पैराइटल सेल्स आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सेंटिक सेल्स, ठीक है। म्यूकस सेल्स एज द नेम सेज इट सीक्रेट्स म्यूकस, पेप्टिक सेल्स एज द नेम सेज पेप्टिक, ये पेप्सिनोजन नाम का एक प्रो एंजाइम एकेए यानी आल्सो नोन एज इनएक्टिव एंजाइम सीक्रेट करने वाला है, आणि त्या सोबत पैराइटल सेल्स यानी ऑक्सेंटिक सेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हीरो डाइजेशन का स्टमक के अंदर का विच इज एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर जो जरूरी है विटामिन बी12 को एब्जॉर्ब करने के लिए वो सीक्रेट करने वाला है। और HCl का इंपॉर्टेंस भी हमने कुछ देखा, ये सलाइवरी अमाइलेज का एक्शन स्टॉप कर देता है पेट के अंदर, ये इन्फेक्शन को स्टॉप कर देता है, ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में जो आगे जाके प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। क्लियर है? यस सर। बढ़िया। अब तक हमने देखा सलाइवरी अमाइलेज भी एक प्रकार का इन्फेक्शन को फाइट कर रहा है, बरोबर, आणि त्यासोबत जैसे खाना स्टमक में आ रहा है वहां पर भी एसिडिक मीडियम होने के कारण वहां पर भी जर्म्स का किलिंग होने वाला है। तो आप देख सकते हैं आपके पूरे बॉडी के हर एक स्टेज में, जैसे मैंने आपको कहा लिम्फ नोड्स होते हैं बंकर्स होते हैं वो भी इन्फेक्शन फाइट कर रहे हैं, डाइजेशन में मुंह के अंदर भी इन्फेक्शन फाइट होने वाले हैं, पेट के अंदर एसिडिक मीडियम में फाइट होने वाला है, और जब अपन इंटेस्टाइन में जाऊँ वहां पर भी हमें देखेंगे कि एक्सट्रीम बेस होने के कारण वहां पर भी इन्फेक्शन मरने वाला है। तो पूरा का पूरा अपना जो सिस्टम है फिर वो रेस्पिरेटरी हो सर्क्यूलेटरी हो डाइजेस्टिव हो हर एक लेवल जैसे क्रॉस होता है लेवल 1 लेवल 2 वैसे वहां पर इन्फेक्शन को रेड ऑफ करने का काम चल रहा है। स्टिल इतना सब होने के बावजूद भी हमारे बॉडी में बहुत बार पैरासाइट्स आ जाते हैं और हमें हो जाता है फूड पॉइजन। किंगडम एनिमेलिया याद करो थे आप लोग लेक्चर में एनिमेलिया के, वहां पर एक फाइलम था कॉल्ड एज असाइलमिन, जहां पर एस्केरिस नाम वर्म्स की हमने बात की थी जो हम इंटेस्टाइन में होते हैं। सो जस्ट इमेजिन ये लेवल का डिफेंस उन लोग क्रैक करते करते ट्रेसपासिंग कर लेते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, तो कितने लेवल पे वो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए कि पोटा मध्ये एवढं ऍसिड आहे तरी पण त्यांच्या एग्जना काही होत नाही, सलाइवरी अमाइलेज इतने लेवल पे इन्फेक्शन तोड़ रहा है फिर भी उनको कुछ नहीं होता, और ये सीधे आपकी बॉडी में इन्फेक्ट करके एक इंसान की मौत भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है फुटे जाओ याचा? यस सर। ओके, तो हवे आपड़े करवानु छे कुछ रिएक्शंस, वो रिएक्शंस अभी मैं यहां पर लिखता हूं। सबसे पहले पेट के अंदर होने वाले रिएक्शंस हम देखते हैं, सबसे पहला रिएक्शन है पेप्सिनोजेन का।
pepsinogen, which is a form of inactive enzyme. बराबर pepsinogen एक inactive form में है, दिखाएगा? Okay, pepsinogen ये convert होने वाला है pepsin, which is active enzyme. ये convert होने के लिए catalyst चाहिए, which is called as HCl. और इसका आप pH देख के बौखला जाओगे, जो है 1.8 आप सोच सकते हैं कौन से लेवल के एसिड होंगे भाई. इससे तो ज्यादा पूछने का एसिड के लेवल है, जो बिल्डिंग साफ करने के लिए जो डालते हैं जिससे बाद धुआं निकलता है, ये लेवल का ये पीएच है, कितना घातक एसिड हमारे पेट के अंदर है. तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए जहाँ पर पेट के अंदर का एसिड एक ग्लास में निकाला गया और फिर उसके अंदर एक सोडा का बॉटल कैन आता है ना, टिन का, और कुछ 3 से 4 दिन के बाद वो भी गल जाता है. ये लेवल के एसिड हमारे पेट में, लेकिन ये सुनते ही वो कोई कैन खाना मत, डाइजेस्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रोटीन्स. अब पेप्सिनोजेन जो था ये तो एक्टिव फॉर्म में HCl ने लेके आया, और इसको लेके आने के बाद मेन काम आता है कि जो पेप्सिन है ये अभी कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा इन एसिडिक मीडियम इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोटीओस और पेप्टोन्स. प्रोटीओसेस और पेप्टोन दो चीजें बनाएंगे आपके पेप्सिन. तो पहले पेप्सिनोजन इनएक्टिव था, इसको HCl ने एक्टिव किया, और ये एक्टिव होते इसने अपना काम शुरू कर दिया प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और प्रोटीओस में कन्वर्ट करने के लिए. अच्छा, अभी आपको एक यूनिक फैक्ट बता देता हूँ कि पुराने जमाने में, पुराने यानी कुछ आज से 10-20 साल पहले या 25-30 साल पहले, जो चीज खा रहे अभी, ये चीज बनाने का प्रोसेस आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा बायोटेक में. तो लैक्टोबैसिलस एक चीज लगती है जो चीज के अंदर और डाली जाती है, चीज चीज के अंदर डाली जाती है, उस चीज चीज के अंदर जो चीज हम डालने वाले हैं इसका नाम है रेनिन. तो रेनिन नाम का एक हॉर्मोन है या एक एंजाइम है जो पुराने जमाने में एक कैटल के पेट के अंदर से निकाला जाता था, और वो दूध के अंदर जब आप मिक्स करेंगे तो दूध कर्ड हो जाएगा. पर आता अपन गाईचा मोटा तो ट्रेनिंग काटत नहीं, अभी हम केमिकली उसको बैक्टीरिया से बना के उसको चीज बनाने में यूज करते हैं. बट जो इन्फेंट्स होते हैं यानी जस्ट पैदा हुए बच्चे, इनके बॉडी के अंदर रेनिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है. ठीक है, और रेनिन एंजाइम क्यों पाया जाता है, क्योंकि रेनिन एक ऐसा एंजाइम है जो मिल्क का जो प्रोटीन है जिसको आप केसिन बोलते हो, मिल्क के अंदर केसिन नाम का प्रोटीन होता है, इसको कर्ड करके इसको डाइजेशन में फास्ट हो जाएगा. क्योंकि जो बच्चे जस्ट पैदा होते हैं उनकी जिंदगी में एक ही प्रकार का खाना होता है जो है मिल्क. तो अगर सिस्टम के अंदर सिर्फ मिल्क मिल्क है तो मिल्क इज नथिंग बट हेवी प्रोटीन, खूब ज्यादा प्रोटीन है. और अगर आपने कभी ट्राई किया है कि दिन भर सिर्फ दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स यानी चीज लस्सी बटर मिल्क यही पीते रहोगे तो दूसरे दिन आपके वांदे हो जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा बॉडी में प्रोटीन होगा कि सिस्टम उसको करप्ट हो जाएगा आपका सिस्टम. कुछ लोग होते हैं सुबह शाम रात हर टाइम चिकन ही खाते रहते हैं, दूसरे दिन फिर घर का टाके खत्म हो जाता है. So basically, बहुत ज्यादा कोएगुलेशन देगा आपके पेट के अंदर, और ये ना हो जब बच्चे होते हैं ये कंटिन्यू मिल्क डाइट में रहते हैं जस्ट बॉर्न में बच्चे, तो उनके बॉडी में रेनिन नाम का एक एंजाइम है जो कंटिन्यूसली मिल्क को कर्ड करके उसको डाइजेस्ट कर रहा है बॉडी के अंदर. बट जैसे इंसान बड़ा हो जाता है, जहाँ तो लान मुर्गा जो फक्त दूध पीत होता वो अभी शेजवान चाइनीज मिल्क फ्रेंकी शॉर्मा सब जब खाते हैं तब बॉडी को पता चलता है कि भैया अभी इसका डाइट चेंज हो गया, अभी रेनिन का कुछ काम नहीं है. तो जैसे हम अडल्ट होते हैं रेनिन सिक्रिएशन बंद हो जाता है, तो अभी हमारे बॉडी में किसी प्रकार का रेनिन नहीं है. बट जो इन्फेंट्स होता है उनके बॉडी में रेनिन नाम की ये जो एंजाइम है ये देखी जाती है. क्लियर? अभी यस सर. इस पर्यंत अलावर ये एक ऐसा स्टेज है जहां पर हम कह सकते हैं कि स्टमक के अंदर होने वाला डाइजेशन खत्म हो चुका है, और ये पूरा डाइजेशन खत्म होने के बाद जो चीज बचेगी एकदम अजीब सी दिखने वाली थोड़ी सी ब्लैकिश कलर की चीज आपको दिखेगी, और इस चीज का नाम है चाइम. ठीक है, सो ये चाइम नाम की चीज बनी है इतना बड़ा डाइजेशन का प्रोसेस आने के बाद. इस प्रोसेस में चाइम बनने तक क्या हुआ, सलाइवरी अमाइलेज मिक्स हुआ है,
म्यूकस है, इसने म्यूकस डाला, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन को एचसीएल में कन्वर्ट करके पेप्सिन बनाया, इंट्रिंसिक फैक्टर ने विटामिन बी12 ऑब्जर्व किया, प्रोटीन्स ने पेप्सिन के अंदर पेप्टोज और प्रोटीओसिस में कन्वर्ट हुआ, और इतना सब होने के बाद यहाँ पर खत्म हो गया हमारा एसिडिक फॉर्म ऑफ डाइजेशन। और ये खत्म होने पर हम जो बची कुची चीज है, एक ब्लैकिश कलर की दिखने वाली स्लरी, इसको हम बोलते हैं चाइन। ठीक है, क्लियर है का? यस सर। बहुत बढ़िया। कुणाल ले आए चंदर ले उठ गया, क्योंकि थोड़े देर बाद मतलब ये उसका डेस्टिनी है, मर गया इधर जाके, मेरा हो गया सांगा। आप किस प्रकार के हो, या आप इन दोनों ना होते आप शायद इंडियन हो सकते हैं, जिसमें सब सब्जेक्ट ही देगा, मेरे को सिर्फ बायोलॉजी आता। बहुत टाइम लगाते हैं सुनने में, मिस ने कभी वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी है, मैं जनरली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रेन करता हूं वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी में, आदिवासी एरिया में स्नेक रेस्क्यू कर रहे हैं अभी टीम है, दूसरों को भेज रहे हैं, मैं अपना लेक्चर वगैरह ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। थैंक यू मोटा भाई, हो गया ना अभी, कितना लिखोगे? डन सर। एसली कुछ डाउट है क्या आपको? कौन सा वाला पार्ट रिपीट करना है सर? पेप्सिनोजेन कन्वर्जन से उधर से। अच्छा ये देखो, हमारे सिस्टम के अंदर पेप्सिनोजेन प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन यानी इनएक्टिव एंजाइम है, ये सिक्रीट कर रहा है पैराइटल सेल नाम का एक सेल। अब ये सिक्रीट होने के बाद, ये तो इनएक्टिव है, इसको एक्टिव होना जरूरी है, जब ये एक्टिव होगा तभी तो अपना गेम करेगा। तो इसको एक्टिव करने के लिए दिस प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन यूजेस एचसीएल एज अ कैटलिस्ट, and in this reaction acidic medium 1.8 pH पर जो inactive state में pepsinogen था ये convert हो जाता है active pepsin नाम के एक enzyme में, और एक बार आपका pepsin active हो गया तो ये अपना काम बहुत अच्छे से करता है, जिसका काम है proteins को convert करना peptones और proteoses में। तो ये pepsinogen HCl के कारण pepsin होना, और pepsin होने का proteins को peptones और proteoses में convert कर देना, ये काम है pepsinogen। और इतना होने के बाद हमारे पेट के अंदर का डाइजेशन हो जाता है खत्म, और इतने पूरे प्रोसेस को लग रहे हैं 4 से 5 घंटे। एक वास्ता जो है तर अत्ता ही प्रोसेस संपली है, दूर वास्ता जो है तर सावा जन वाले तर चालू वास्ता। ठीक है, आप देखो आपके पेट में क्या चल रहा है। ये होने के बाद जो मटेरियल बाकी है स्टमक के बाद, इट इज कॉल्ड एज द चाइन, बहुत लोग इसको काइन भी बोलते हैं, डिपेंड्स, ब्रिटिश इंग्लिश में चाइन, अमेरिकन इंग्लिश में काइन। आप देखो ब्रिटिश अच्छा है अमेरिकन अच्छा है, कर लोगा एक्चुअली? हो सर, कर लो। अच्छा एसली लड़के का नाम है क्या? यस सर। अच्छा ओके, आई एम सो सॉरी,
इट्स ओके सर टफ करू को 24 घंटा देगा तो अभी लिखते रहेगा ऑल राइट सो अभी हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होने वाला डाइजेशन तो अभी हमारा जो टाइम है या टाइम है ये तो हो गया है रेडी लार्ज इंटेस्टाइन अपना स्टमक तक काइम बन चुका है और काइम बनने के बाद इसका अभी मेन रूल है कि काइम स्टमक से होते हुए जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने तक इंटेस्टाइन में जाने के बाद आपको तो पता है जैसे हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस है वैसे हमारे इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस होने वाले हैं क्योंकि इंटेस्टाइनल जूसेस में कौन आएगा सबसे पहले तो बाइल नाम का एक जूस है जो सिक्रीट कर रहा है लिवर एंड एट द सेम टाइम वी हैव अ ग्लैंड कॉल्ड एज एसली समझा है ना तुमको लास्ट डाउट दो बार क्वेश्चन है आपका हाँ सर हाँ ओके तो बाद में होता हाँ तो लिवर हमारे पेट में बाइल सिक्रीट करने वाला है एंड एट द सेम टाइम वी आल्सो हैव पैनक्रियास जो सिक्रीट करने वाला है कुछ जूसेस जैसे कि पैनक्रियाटिक जूस जिसको हम कहते हैं और ये सारी चीजें जो सिक्रीशन होने वाली है अब कहाँ पे होने वाली है ये भी आपको बता दो स्टमक का डायग्राम आपके आंखों के सामने हो गए तो दिखने में कुछ इस प्रकार दिखता है स्टमक ठीक है ये हो गया आपका कार्डियक ये हो गया मिड स्टमक और ये होता है आपका पूरा पाइलोरिक स्टमक तो खाना यहाँ पर स्टोर हो रहा है अब तक का जितना प्रोसेस है ये यहाँ पर हो रहा है लेकिन अब ये स्टमक के बाद ये एक ऐसा एक यू बेंड आता है ठीक है और ये जो यू बेंड है इसको आप कहते हैं डियोडेनम नाम सुना है क्या ठीक है सो डियोडेनम नाम की एक चीज एक यू बेंड होता है जो चीजों को स्टमक से लेके जाने वाला है ये कुछ आड़ी टेढ़ी दिखने वाले वायर जैसे पैटर्न है जिसको आप बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन सो दिस इज डियोडेनम और ये एक पाथवे है जहां से आपका काइम जो है ये निकल के ऐड होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन में बट इस डियोडेनम में जैसे हमने ग्लैंड स्टडी करते हुए देखा था कि हमारे बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड पैनक्रियाटिक डक्ट यानी पैनक्रियास और लिवर ये तीन जो ग्लैंड थे तो इनमें लिवर जो यहाँ पर है और उसी के साथ पैनक्रियास जो यहाँ पर कहीं है ये भी दोनों अपना सिक्रीशन एक ही साथ रिलीज करने वाले हैं वो भी डियोडेनम नाम की चीज में तो ये दोनों सिक्रीशन है ये कहाँ से आते हैं तो लिवर अपना सिक्रीशन पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है आपको पता होगा लिवर से खाली एक छोटा सा गोल्डन कलर की चीज होती है जिसके अंदर ग्रीनिश कलर का लिक्विड होता है बाइल ये स्टोर होता है तो ये आपके स्क्रीन पर है एक लिवर 2D मॉडल ऑफ अ लिवर इस लिवर के नीचे होता है कुछ इस प्रकार दिखने वाला गॉल ब्लैडर ठीक है और इधर सुपर स्टमक के साइड में एक लीक जैसा ये ग्लैंड होता है व्हिच इज कॉल्ड एज पैनक्रिया जिसको पाना सर का मतलब पानक्रिया ठीक है अभी बाइल एक डक्ट के थ्रू आता है डक्ट यानी एक पाइप के थ्रू व्हिच इज कॉल्ड एज अ बाइल डक्ट एंड एट द सेम टाइम पैनक्रियास का सिक्रीशन भी एक डक्ट से होते हुए यहां पर जॉइंट होता है और जहां पर ये दोनों चीजें जॉइंट होती है इस पोर्शन को आप कहते हैं हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट इंग्लिश में डक्ट का मतलब होता है पाइपलाइन गंदी लैंग्वेज में गटर ठीक है सो लैटिन में गटर को डक्ट कहते हैं सो डक्ट का मतलब होता है एक पाइपलाइन तो डक्ट जो गॉल ब्लैडर से लेके यहाँ तक था दिस इज कॉल्ड एज अ बाइल डक्ट पैनक्रिया का कुछ सिक्रीशन जैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होता है इसको किसी डक्ट की जरूरत नहीं है और डक्टलेस ग्लैंड्स आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स आपको पता होगा बट पैनक्रियास एंडोक्राइन भी है एज वेल एज एक्सोक्राइन भी है तो एक्सोक्राइन यानी क्या चीजें डक्ट से आ रही है एक पाइपलाइन से आ रही है तो पाइपलाइन से पैनक्रियाटिक जूसेस आ रहे हैं और जो डक्टलेस चीज है यानी ग्लूकागॉन इंसुलिन ये और सोमाटोस्टैटिन ये सारी चीजें एक्सोक्रेनिकली ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो रही है और जहां पर दो डक्ट मिक्स हो रहे हैं इनको आप बोलेंगे कॉमन डक आल्सो कॉल्ड एज हिपेटो यानी लिवर पैनक्रियाटिक यानी पैनक्रियास डक सो हिपेटो पैनक्रियाटिक डक क्लियर है इतपर्यंत यस सर तो अभी हम वापस आते हैं हमारे प्यारे से दुनिया का सबसे बड़ा ग्लैंड लिवर के ऊपर जो सिक्रीट कर रहा है एक टाइप ऑफ जूस कॉल्ड एज बाइल
प्रोनाउंसिएशन में कोई भी इसको बाइले नहीं बोलेगा, ये देखा है बहुत लोग वाइवा में ऐसा कुछ भी बोलते हैं फिर उनके मार्क्स को हेडशॉट दिया जाता है प्रोफेसर की तरफ से। सो बाइल तक ये बाइल जूस लेके आएगा, और ये जो बाइल होता है ये होता क्या है देखते हैं। सबसे पहले ये तो एक डार्क ग्रीन, जैसे डीजल जो होता है जो बस के अंदर ट्रक के अंदर डालते हैं उस प्रकार का, वो तो शाइनी ग्रीन होता है बट ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन फ्लूइड है, ठीक है। इसके अंदर होता है बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट्स आर द कलर, जो पिगमेंट्स दो प्रकार के है, एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। ये दो प्रकार के पिगमेंट्स लिवर के अंदर पाए जाते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। इसी के साथ इनके अंदर होते हैं बाइल सॉल्ट्स, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टोरोक्लोरोकोलेट नाम के कुछ ये आपको दिए गए हैं, ये दो सॉल्ट्स भी होते हैं। उन्हीं के साथ होते हैं कोलेस्ट्रॉल्स, उन्हीं के साथ होते हैं फॉस्फोलिपिड्स, मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर होती है। और एक चीज आपको याद रखनी है, जो सारी चीजें हैं ये किसी भी प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज नहीं है जो डाइजेशन या डाइजेस्टिव एंजाइम में आप काउंट करोगे। ये एक बेसिक एक कैटलिस्ट की तरह होता है जो चीजों को आसान करने के काम आते हैं। सो दीज आर नॉट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, आपको एक चीज याद होगी 9th या 10th स्टैंडर्ड में सॉल्ट्स कब बनते हैं। सो एसिड चीज है, बेसिक चीज है, एसिड और बेस के बीच में जब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो वहां पर बनता है सॉल्ट्स। तो जब आप किनो खाते हो बेसिकली पेट में एसिडिटी है, आपने बेस किनो है जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और आपके पेट में चीजें न्यूट्रलाइज हो जाएंगी लिविंग बिहाइंड सॉल्ट्स, तो आपके पेट में एसिड बेस न्यूट्रलाइज होकर सॉल्ट बना दे। तो उसी तरह ये जो बाइल सॉल्ट्स है, ये जो काइम जो एसिडिक था, ये काइम को बेसिक करने न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सॉल्ट्स काम आते हैं। यस, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे काइम को, और न्यूट्रलाइज करके जो काइम जो था विच वॉज इन एसिडिक मीडियम ये अभी हो गया स्लाइटली अल्कलाइन। इसी के साथ इट ब्रिंग्स अबाउट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। आता इमल्सिफिकेशन काय असतं ते पण तुम्हाला सांगतो। नाम सुना है कभी वो नेरोलैक इमल्शन पेंट्स ऐसा कुछ नाम सुना है क्या इमल्शन? तब ये इमल्शन होता क्या है? अभी देखो खोबरे तेल को अगर आप पानी में मिक्स करोगे तो मिक्स नहीं होगा, ऑयल फ्लोट होगा। तो पानी में मिक्स करना है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफाई करना। एक जो अनसॉल्युबल चीज है, इनसॉल्युबल चीज है, उसको एक सॉल्वेंट के अंदर पूरी तरह से मिक्स कर देना। जो अगर आप चीनी डालोगे पानी शेक करोगे तो मिक्स हो जाएगा, बट तेल डालकर आप कितने भी पानी को हिला वो मिक्स नहीं होगा। तो यहाँ पर इमल्सिफिकेशन तो कुछ होना चाहिए। तो इमल्सिफाई कब होगा? अगर आप पानी के अंदर तेल डालते हो और इसके ऊपर आप डिश वॉशर शू का एक टुकड़ा डाल के अगर उसको शेक करते हो तो तेल पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, ठीक है, जादुई दवा है ये बेसिकली। अगर आपको तेल और पानी को मिक्स करना है तो उसके अंदर डिश वॉशर का एक ड्रॉप डाल देना है। तो दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफाई। जो फैट्स कभी पानी के अंदर डिजॉल्व ही नहीं हो सकते उसको डिसॉल्व कर देना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन, ठीक है। तो बहुत बार जो लोग गार्डनिंग के शौकीन होते हैं जन्ना फूल झाड़ वगैरह उगवाला चांगला वाटत, तो बहुत बार ऐसी चीज होती है कि प्लांट्स के ऊपर बहुत बार ये व्हाइट फ्लाइज आ जाता है, मिली बस व्हाइट कलर का पाउडर आता है, तो इन्फेक्शन है, इसको रिड ऑफ कैसे करें? तो इसका उपाय ये होता है कि नीम ऑयल आता है मार्केट में, तो नीम ऑयल को अगर आप पानी में मिक्स करके मारोगे तो वो इंसेक्ट वापस नहीं आएंगे। बट द क्वेश्चन इज पानी में नीम ऑयल मिक्स कैसा हो? तो उस टाइम पे आपको नीम ऑयल को इमल्सिफाई करना पड़ेगा। हाउ विल यू डू इट? द फर्स्ट टेक्निक इज जो पानी आप ले रहे हो उसको गर्म कर दो, गर्म पानी में इमल्सिफाई होने जाता है फैट। बट अपने पेट में गर्म गर्म चीजें हम नहीं कर सकते भाई, पौधा नहीं नीचे गैस नहीं लगा है, ठीक है। तो इसी के लिए हमें कुछ इमल्सिफाई करने के लिए कुछ चीज चाहिए। तो जैसे बॉटल में नीम ऑयल को मिक्स करने के लिए एक था कि पानी गर्म यूज करो ताकि इमल्सिफाई हो जाए, या दूसरा टेक्निक उसके अंदर लिक्विड डिश वॉश जो विप होता है ना नींबू का येलो लिक्विड एक ड्रॉप डाल दो बॉटल चेक करो पूरा ऑयल मिक्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इमल्सिफिकेशन, अ प्रोसेस बाय विच अ इनसॉल्युबल फैट्स इज डिसॉल्वड इन अ काइंड ऑफ सॉल्वेंट, इट इज कॉल्ड एज इमल्सिफाइंग। तो इमल्सिफिकेशन ये कर रहा है आपके बाइल नाम का बंदा, इमल्सिफाई करता है फैट्स को, कारण फैट्स अपने बॉडी में डाइजेस्टन जाले नसते, तो इन फैट्स को लोअर फॉर्म में यानी फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए इनको इमल्सिफाई करना पड़ेगा। तो ये हमें बाइल जूस हेल्प कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। और बाइल जूस के कारण एक और प्रकार का
एंजाइम कोई एक्टिवेट कर देता है जिस एंजाइम का नाम है लाइपेज। सो लाइपेज नाम का एक एंजाइम है, ये उसको इंड्यूस करता है कि भाई हो गया अभी काम पे लग जाओ। इसी के साथ जो फीकल मैटर होता है यानी जब डेफिकेशन होगा तो जो भी फीकल मैटर है उसको जो स्पेसिफिक कलर होता है, ये कलर देने वाला काम है इस बाइल पिगमेंट्स का। ऐसे बिलीवरिन और बिलीवर्डिन जो आपको मैंने बताया, ये दो पिगमेंट्स है, इन्हीं के कारण जो फीकल मैटर है उनको कलर आता है। ठीक है, बहुत बार अगर चीजें आपने ऐसी खाई है जिनके अंदर पिगमेंट्स बहुत हाई है, जैसे कि दिन भर आप बीट रूट खा रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिगमेंट्स है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के फीकल मैटर भी रेडी दिखेगा आपको। दिन भर अगर आप भर भर के ग्रीन क्लोरोफिल खा रहे हो यानी कच्चा पालक खा रहे हो, लेट्यूस खा रहे हो, तो फीकल मैटर का कलर स्लाइटली ग्रीनिश जाएगा क्योंकि बाइल जूस जो है ये फीकल मैटर को कलर इम्पार्ट करेगा ही। बट अगर आप दिन भर कुछ ऐसी चीजें खा रहे हो जिसके अंदर फूड एडिटिव्स के अंदर ही बहुत सारे कलर्स है, तो फीकल मैटर का कलर चेंज होने के बहुत ज्यादा कारण है। और बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है, ठीक है, फीकल मैटर हमें लगता है कि हाँ चल फीकल मैटर है क्या उसके ऊपर इतना बात करने का, बट साइंटिफिकली फीकल मैटर के अंदर बहुत सारा डेटा होता है, मतलब इतना सारा डेटा होता है कि अभी रिसेंटली एक नेटफ्लिक्स के ऊपर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा कनेक्टेड नाम का, उसके अंदर उसने ये बताया कि फीकल मैटर दुनिया को कैसे कनेक्ट करके रखा है। तो लंदन में एक सबसे प्योरेस्ट रिवर है कॉल्ड एज थेम्स, जैसे इंडिया में गंगा जिसको भगवान के नाम पे गटर बना के रखा है, और लंदन में थेम्स, तो उसने थेम्स का वाटर कलेक्ट किया था उस साइंटिस्ट ने, और उसने इस वाटर के अंदर जितना भी फीकल मैटर गलती से या जानबूझ के जो आया था उसका जब रीडिंग निकाला तो पता चला कि लंदन में लोगों का ज्यादा से ज्यादा डाइट क्या है, वो ड्रग्स लेते हैं क्या, कितना परसेंट कोकेन लेते हैं, हैश लेते हैं, गांजा लेते हैं, मैरिजुआना लेते हैं, कोई और ड्रग लेते हैं, उनका डाइट क्या है, ये तो मैंने अभी बोला। उसी के साथ कितने प्रकार, कितने लोग वेजिटेरियन है, कितने परसेंट लोग नॉन वेजिटेरियन है, कितने प्रकार के लोग वीगन है, इतना बड़ा डेटा सिर्फ और सिर्फ फीकल मैटर पे निकाल सकते हैं, सिर्फ एक नदी के अंदर का पानी टेस्ट करके। तो कभी गंगा का एक गिलास पानी आपने निकाल लिया तो उसके अंदर सिर्फ फीकल मैटर नहीं मिलेगा, उसके अंदर लेदर मिलेगा, आधी जली लाश के टुकड़े मिलेंगे, फिश का एक्सक्रीटा मिलेगा, अर्जुन का नारियल मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। तो फीकल मैटर जो होता है बेसिक, मेरा बोलने का मतलब इतना ही है कि इसके अंदर बहुत सारा डेटा है, इसके अंदर पैरासाइट्स के अंडे है, इसके अंदर कल रात आपने कौन सी सब्जी खाई थी इसके डेटा है, और डेटा आपको पता है आजकल डेटा का पैसा है। अभी व्हाट्सएप ने भी प्राइवेट पॉलिसी कर दी है, डेटा सबके लिए ओपन हो गया, ठीक है, तो सब लोग व्हाट्सएप अनइंस्टॉल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डेटा को लिया, डेटा का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, सो वर्ल्ड रन्स ऑन डेटा। ठीक है, तो ये काम है अपना लिवर का, क्लियर है लिवर? लिवर दे रहा है बाइल नाम का जूस व्हिच इज डार्क ग्रीन इन कलर, इसके अंदर पिगमेंट्स है कॉल्ड एज बिलीवरिन और बिलीवर्डिन, इनविजिबल पेन से लिखे इसलिए मुझे भी नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पर है बाइल सॉल्ट जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, उसके साथ जो ठीक है लिवर में दूसरा राउंड तो ये तो इकड़े एक दूसरा टाइप का हार्मोन था जिसका नाम है, हार्मोन नहीं ग्लैंड का, जिसका नाम है पैनक्रियास। ठीक है, अब पैनक्रियास अपने अंदर से निकलने वाले हैं पैनक्रियाटिक जूसेस। ठीक है, और पैनक्रियाटिक जूसेस में कुछ जूस आते हैं, सबसे पहला है पैनक्रियाटिक अमाइलेज। एक अमाइलेज अपन बघितला होता जो हमारे मुंह के अंदर आ रहा था, दैट वाज सलाइवरी अमाइलेज, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो हमारे पेट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होने वाला है। उसी के साथ लाइपेज जो अभी लिवर ने थोड़ा स्पार्क दिया था वो, उसी के बाद इनएक्टिव एंजाइम बोल सकते हैं, इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन। दैट्स ओवर, ट्रिप्सिनोजन आने के बाद इनके अंदर ट्रिप्सिनोजन की भी और एक भाई है दूसरा, इट इज कॉल्ड एज काइमोट्रिप्सिनोजन। इसके साथ और न्यूक्लियसिस नाम का एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने में काम आता है, और इन्हीं के साथ म्यूकस नामक ब्रांच का एक एंजाइम है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, इनएक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप,
यानी काइमोट्रिप्सिनोजेन भी ये रिलीज करने वाला है, इसी के साथ न्यूक्लियेसिस ये भी टाइप का एक एंजाइम रिलीज करने वाला है जो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट करने वाला है, और इसी के साथ इंटेस्टिनल म्यूकस ये भी पैनक्रियाटिक जूसेस के साथ आने वाला है, और ओके गॉबलेट सेल्स नाम के एक सेल्स होते हैं, तुम्हारा तो चैप्टर झाला है का एनिमल टिश्यू चैप्टर 1 सिंपल स्क्वामस, तो उसके अंदर एक प्रकार का सेल है जो दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। This type of cell is called as a goblet cell. Glandular. Blanket आता है ना, तो वो ऐसा microscope में ऐसा दिखता है। इसको जब pop करोगे इधर से दबाएंगे तो ये seed बाहर निकलेगा। So it is called as a goblet cell. तो हमारे small intestine में जो pancreas release करने वाला है, इन pancreas जहाँ पर खत्म होते हैं duodenum में, वहाँ पर कुछ ऐसे cells हैं जिनको आप बोलते हैं goblet cells, जो अपने अंदर से mucus निकालने वाले हैं। और ये सारे जो इतने सारे प्रकार के जो juice है इनको टुगेदरली वी कैन कॉल इट एज इंटेस्टिनल जूसेस, ठीक है, और इन्हीं को प्यार से बायोलॉजी में हम कहते हैं सकस इंट्रिकस, ठीक है, एक लैटिन नाम है इंटेस्टिनल जूसेस का जिसका नाम है सकस इंट्रिकस। इन सारे जूसेस के अलावा भी और कुछ माइक्रो एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे डाइपिडेज, लाइपेजेस, डाइसेकेराइडेसिस, ऐसे कुछ बहुत अलग अलग केमिकल्स भी इन्हीं के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो अभी आपको पता चल रहा है कि हमारे स्मॉल जाने के पहले जहां पर स्टमक के अंदर एक ही हीरो था दैट वाज HCl, बट इन स्मॉल इंटेस्टाइन वी हैव अ ग्रुप ऑफ हीरोज, ये पूरा एवेंजर्स है, सिर्फ आयरन मैन सिर्फ कैप्टन अमेरिका नहीं है, लेकिन यहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज से लेके ब्लैक पैंथर सब मिक्स हो रहे हैं। तो लिवर भी बाइल सॉल्ट्स या बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, और उसी के साथ पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए न्यूक्लियेसिस, सकस इंट्रिकस, फाइनली इसको आप इंटेस्टिनल जूस को बोलोगे। ये सारी चीज पैनक्रियास और लिवर से होते हुए यहाँ तक आ रही है, ठीक है, अजून थोड़ा सा अपन करूँ अपन होल्ड करेंगे। ऑल राइट, बोथ पैनक्रियास पैनक्रियाटिक एंड इंटेस्टिनल लाइपेज इनिश, अच्छा इतपर्यंत क्लियर है का तुम्हाला? तो अभी आपको कि ये जो पैनक्रिया से निकलने वाले जूस है यानी पैनक्रियाटिक लाइपेज, इंटेस्टिनल लाइपेज, ये सारी चीजों का सबसे इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर ये आता है कि पेट में तो प्रोटीन्स डाइजेशन शुरू हो चुके थे स्टमक के अंदर, प्रोटीन्स को पेप्सिनोजेन ने कन्वर्ट कर दिया था पेप्टोन्स और प्रोटीएसेस में, लेकिन जो फैट्स है हमारे बॉडी में यानी जो फैट्स अपन खा लेते तो फिर वो बटर हो गया, चीज हो गया, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट हो गया, नॉनवेज से आ गया, ये फैट्स को सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना है लोअर फॉर्म में। आपके बॉडी में पाए जाने वाले फैट्स इनको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे समथिंग कॉल्ड एज फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स ये फैट्स के लोअर ग्रुप आते हैं, सर सर वीडियो पॉज्ड हो गया है, वीडियो पॉज्ड है, वीडियो इज पॉज्ड। माइक टेस्टिंग, यस यस बराबर, यस यू आर ऑडिबल नाउ, अच्छा बात है, ओके यस। सो डाइग्लिसराइड्स आर फर्दर कन्वर्टेड टू मोनोग्लिसराइड बाय रिमूवल ऑफ फैटी एसिड ग्रुप, फिर ये ग्लिसरॉल बन जाएगा। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट जो पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है इंटेस्टिनल म्यूकोसा से ये चीजों को अल्कलाइन बना देते हैं, उसी के साथ बर्नर्स ग्लैंड के मदद से कुछ गॉबलेट सेल्स भी है ये पूरी तरह से चीजें डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे। और अच्छा देखो थोड़ा चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं, अच्छा फूड आपल्याला काही रिएक्शंस नहीं करना रहेगा, हाँ चलो बहुत सारे रिएक्शंस है आगे अपने को, तो फिलहाल अभी ये इसको अपन शॉर्ट में खत्म कर सकते हैं। फैट्स को कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड्स में,
ठीक है ओके सो ये फैट फैटी एसिड्स में बाय यूजिंग लाइपेज एज अ कैटेलाइट्स कैटेलिस्ट अब ये जो डाइग्लिसराइड्स का असर देखिए हमारे बॉडी के अंदर होते फैट्स इन फैट्स के अंदर भी टाइप होता है इसी चीज को आप कहते हैं लिपिड्स लिपिड्स के अंदर फॉस्फेट ग्रुप आ गया तो उसको आप बोलते हैं फॉस्फोलिपिड्स जिससे हमारी सेल स्ट्रक्चर बनी है सेल मेम्ब्रेन बनी है दैट इज कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स इसी के साथ ग्लिसरॉल्स एक फैट का टाइप है मोनोग्लिसराइड डाइग्लिसराइड पॉलीग्लिसराइड्स ये सारे फैट्स के अंदर के मिलने वाले प्रकार है ठीक है तो ग्लिसराइड्स लिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स फैट्स कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीजें चिपचिपी सी ग्रीस जैसी दिखने वाली चीज है और इन सारों को कंपैरेटिवली हमने एक नाम दिया गया है कि फैट्स अपन मन तो बॉडी बढ़ क्यों रहा है बॉडी के अंदर फैट ज्यादा हो रहा है बढ़ क्यों रहा है मतलब हम मोटे क्यों होते जा रहे हैं लॉकडाउन में हर किसी के चीक्स ऊपर आ गए हर कोई फैट डिपॉजिट करता गया बॉडी में तो फैट मन जगह है स्किन के नीचे एक लेयर होता है खुद को ऐसे चिमटी निकाल के देखो कुछ लोग होंगे जिनका चिपटी नहीं आएगा चिपटा आएगा तो वो होता है सबसे ज्यादा फैट जिसको बहुत छोटा पिंच मिलता है वो बता दे कि आपके बॉडी का फैट परसेंट कम है बट हम सबके बॉडी में फैट होना बहुत जरूरी होता है मेरे जैसे लोग जिनका फैट परसेंटेज कुछ 10% के नीचे है हम लोगों को बहुत ज्यादा ठंडी लगती है ठीक है आणि ज्या लोकांकडे फैट खूप जास्त असतं त्यांना ठंडी लागत नाही फैट ऐसा नहीं है कि फैट हमेशा बुरा होता है फैट ज्यादा हो जाए तो बुरा हो सकता है फैट्स जब तक स्किन के नीचे है ये स्किन के नीचे वाला फैट तब तक वो बेहतर है क्योंकि इसका आपके बॉडी को कोई लॉस नहीं है बट जब फैट्स आपके इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए उस चीज को आप कहते हैं बैड फैट्स जिनको आप प्यार से कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हो अगर इससे भी ज्यादा फैट्स बनना शुरू हो गए आपके जो नस है बॉडी के अंदर जो वेन्स आर्टरीज है सपोज ये डायामीटर है या एक डायामीटर है नस का तो फैट्स इनके अंदर डिपॉजिट होना शुरू होता है तो जो डायामीटर था ब्लड जाने का छोटा हो गया 10 सेंटीमीटर का डायामीटर अभी 1 सेंटीमीटर का आ गया यहाँ से खून जा पाएगा क्या फिर 10 सेंटीमीटर में 1 मिनट में अगर 1 लीटर खून आगे जाता है 1 सेंटीमीटर में 10 लीटर खून जाने को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और इसी के कारण इंसानों को आता है हार्ट अटैक खून चाहिए हार्ट को 1 मिनट में 1 लीटर आना चाहिए लेकिन 1 मिनट में यहाँ पर धीरे धीरे खून आ रहा है तो हार्ट के अंदर खून गया ही नहीं हार्ट लॉक हो गया और फिर छाती में दुखने लग गया और फाइनली आपके कह जाओगे वहां पर कि हार्ट अटैक आ गया सो फैट्स इज अ फॉर्म ऑफ रिजर्व्ड फूड मटेरियल जब आप तो बेसिक ये सर वीडियो इज पॉज्ड सर वीडियो पॉज झाला माइक टेस्टिंग 1 2 3 यस सर नाउ यू ऑडिबल यस सर थोड़ा कनेक्शन अनस्टेबल है ऐसा जूम बोल रहा है हां तो जब तक फैट स्किन के नीचे है ठीक है बट वो ज्यादा हो गया तो दिखने में थोड़ा गंदा दिखेगा ठीक है बाकी बॉडी के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है काय बोले तो फैट के हां नस ओके तो हार्ट को ये खून मिल नहीं पा रहा है क्योंकि आपके वेन्स के अंदर आर्टरीज के अंदर फैट जमा हो चुका है तो इसीलिए फैट्स इज अ काइंड ऑफ रिजर्व्ड फूड मटेरियल जेवा तुम्ही उपवास करना सुबह से लेके शाम तक कुछ खाया नहीं रोजा है या 9 दिन का वो क्या होता है फेस्टिवल गरबा होता है तभी आप खाओगे नहीं तो 9 दिन तक बॉडी तो उस टाइम पे सिस्टम क्या करेगा बॉडी खुद को खाना शुरू करेगा खुद का बॉडी खुद को खाना इसका मतलब जितना पेट्रोल है फैट जितना स्किन के नीचे वो खाना शुरू करेगा और जिनको फैट्स नहीं है उन्होंने अगर उपवास किया तो रात को चक्कर आके गिरेगा क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल ही नहीं है ऐसा अर्थ है फैट ज्यादा हो गया तो इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर फैट डिपॉजिट होता है जिसको आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल अगर नस के अंदर फैट डिपॉजिट हो गया तो हार्ट पेन करना शुरू होगा क्योंकि हार्ट की तरफ खून नहीं जाएगा फिर बहुत सारे टेक्निक जैसे एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी होते हैं जहाँ पर एक नस के अंदर तार डाली जाएगी और जैसे आप सिंक खोल के साफ करते हो ब्रश डाल के बेसिन साफ करते हो वैसा आपके एक एक वेन साफ करना पड़ेगा सो इट इज कॉल्ड एज एंजियोप्लास्टी बहुत खर्चे वाला काम हो जाएगा इसीलिए इट इज ऑलवेज सेड टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल जो लोग रोज भागते हैं वर्कआउट करते हैं साइकिलिंग करते हैं बॉडी क्लियर रहता है नस के अंदर कोई भी प्रकार का फैट नहीं होता और बॉडी के ऊपर का फैट भी नीचे नीचे निकल जाता है
श्रेड बॉडी आता है, बॉडी श्रेडेड बनता है, ट्राइसेप बाइसेप बिस्किट मारी बिस्किट पार्ले जी सब अच्छे से दिखेगा बॉडी के ऊपर, ठीक है। बट फैट कम है, उपवास गलती से भी मत करना, वरना शाम तक बैटरी डाउन आप गिर जाओगे, या अगर नवरात्रि रहेगा तो रात को बॉडी के अंदर कोई तो आएगा, ठीक है। ये तभी होता है जब बॉडी के अंदर कुछ नहीं है, बट अगर आपकी बॉडी में भरपूर फैट है तो आपके बॉडी में भी कोई नहीं आएगा और कुछ दिक्कत नहीं होगी, तो कोई भी देवी माँ आपको छेड़ नहीं सकती। ये झालं, सॉरी अपन मोनोसेकेराइड्स वरून फैट्स आणि डायजेस्टिव ट्रॅक वर आलो। तो ये होता है बेसिकली हमारे पेट के अंदर का डाइजेशन, और ये बताते हुए मुझे खुशी होती है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा कहा जाता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है ये यहाँ पर आने के बाद खत्म हो जाती है, बट फिर भी हमारे पास एक बहुत बड़ा हीरो बाकी है, जो हीरो दिखने में कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले तो पेट के अंदर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट, देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट मुंह से टूटना शुरू हो गए, जो स्टार्च का मोनोसेकेराइड में आना शुरू हो गया था सलाइवरी एमाइलेज से, पेट के अंदर आने के बाद पेप्सिनोजेन ने प्रोटीन को पेप्टोन्स प्रोटीएसेस में डिवाइड कर लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन में न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्ट हो गए, फैट्स फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल ग्लिसराइड्स सारी चीजें खत्म हो गई। तो जो तीन मेन एलिमेंट है दैट इज एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट दैट इज कार्ब्स, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट दैट इज प्रोटीन्स, और रिजर्व फूड मटेरियल दैट इज फैट, तीनों चीजें डाइजेस्ट हो चुकी है। तर अशा टाइमाला आपण म्हणतो की डायजेशन खतम हो चुका है, बट फिर भी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जो वापस सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होना जरूरी है, या कुछ ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी से गलती से छूट गई है डाइजेस्ट होने के लिए, तो वहां पर हम मदद लेते हैं कुछ बैक्टीरिया की जो हमारे वो भी चीजों को डाइजेस्ट करेंगे। और फिर आता है जो हमारा कोलोन, ट्रांसफर्स कोलोन, एसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, कीकम, रेक्टम, ये सारे ऐसे पार्ट्स हैं जहां पर जो खत्म हो चुका खाना है, यानी यहाँ पर, अच्छा इसको आप कहते हैं चाइम, स्टमक के अंदर से जब खाना निकलता है इट इज कॉल्ड एज चाइम, बट जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका आधा गेम खत्म हो जाता है इट इज कॉल्ड एज चाइम, ठीक है। स्टमक ज्यादा हुआ चाइम और स्मॉल इंटेस्टाइन होने के बाद आता है चाइम, ये एक स्लरी होती है बेसिकली, आप समझ सकते हो सब फ्लूइड मटेरियल है, एक शेजवान सूप की जैसे या मंचूरियन सूप जैसा चीजें होंगी कुछ तो उसके अंदर, डाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है बट कुछ कुछ एलिमेंट्स बाकी है जो लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद कुछ बैक्टीरिया खाने वाले है, ये बैक्टीरिया जब खाएंगे बची कुछ चीजें तब ये बहुत बार मीथेन गैस रिलीज करेंगे, H2S रिलीज करेंगे, जो बहुत बार आप लेक्चर में बैठ के धाम धूम करते हो और फिर आजू बाजू वाले के नाक के बाल जल जाते हैं, वो कुछ इन बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो जो गैस प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में ये लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद डाइजेशन तो हो चुका है बट खाना यहाँ पर फर्मेंट हो रहा है, क्योंकि ज्यादा देर तक यहाँ पे अगर खाना रुकेगा बैक्टीरिया खाएंगे, मीथेन गैस रिलीज करेंगे, H2S गैस रिलीज करेंगे, पैटर्न्स जो होते हैं उनके अंदर ये जब रिलीज होंगे तो यहाँ पर ये चाइल टफ तो होते जाएगा, यानी चाइल जो स्लरी है, हाँ हो गया दो मिनट, चाइल जो स्लरी है ये बेसिकली हार्ड होने लगता है, क्योंकि स्लरी बॉडी के बाहर पास ऑन नहीं हो सकता। ये जो चाइल है ये लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद इसके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन होने के बाद ये चीज है थोड़ा इसके अंदर का फ्लूइड और फाइनली ये नीचे तक आने तक पूरी तरह से जो स्लरी है ये हार्ड हो चुकी होती है, और फाइनली बैक्टीरिया ने डाइजेस्ट करते समय बहुत बार फर्मेंट किया है खाने को, इसके कारण कुछ मीथेन हाइड्रोजन सल्फाइड ऐसी चीजें निकली है, तो ये फाइनली फिर बॉडी के बाहर डेफिकेट होने वाला है, तो बॉडी के बाहर डेफिकेट होने के बाद वो एनएस के बाहर, यानी एनएस के थ्रू बॉडी के बाहर एलिमेंट्री कैनल के बाहर पास आउट हो जाता है, और इस प्रकार होता है पूरा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पावर पैक आपको चीजें गई है, कळले की फुल डोस गेला लास्ट सत्री काय कळलं का? कळलंय कळलंय, ठीक है। कुछ खाए हो क्या? टंग हेवी हो गया तुम्हारा? पानी टाकून तेल पानी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, रुकते आज के लिए यहीं पर, तब तक के लिए खुश रहे सुरक्षित।